नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे ऑफिसर या इंजीनियर लेवल तक बन सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप क्या करोगे तो आगे आप बढ़ सकते हो। तो मैं बता दूं कि पहला आपका क्या स्टेप होता है कि पहले आप मर्चेंट नेवी में आते हो, कोई भी कोर्स करते हो, 3 साल का, 1 साल का, या 6 महीने का, या 4 साल का। तो धीरे से पहला स्टेप आप आते हो। पहला स्टेप आने के बाद जब आपको CDC मिल जाती है तो आप एज अ लोअर रैंक ही जाते हो। कहीं पे भी लोअर रैंक जाओगे वहाँ पे भी लोअर जाते हो। OS या डेक में जाओगे तो OS जाओगे, इंजन में जाओगे तो वाइपर जाओगे। तो जब आप प्रोग्रेस करते हो, 1-2 रैंक आपकी ऑन बोर्ड ही बढ़ती है। लेकिन जब आपको ऑफिसर या इंजीनियर लेवल तक आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको पेपर निकालना पड़ता है। तो अगर आप डेक से हो तो आपको मेड का पेपर निकालना पड़ेगा। वो 36 मंथ, जैसे आप GP रेटिंग करते हो तो 36 मंथ FG फॉरेन गोइंग शिफ्ट आपको सेल मांगता है। और अगर आप डेक क्रेडिट करके जा रहे हो तो 18 मंथ सेल मांगता है मेड का पेपर देने में। तो जैसे ही अगर आप मेड का पेपर क्लियर कर जाते हो तो आपको COC मिलती है, कंपिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट। उस COC से आप एज अ थर्ड ऑफिसर, उसके बाद आपको ऑन बोर्ड प्रमोशन हो जाएगा। और जब आपको कैप्टन बनना है तो उसके लिए एक पेपर होता है, वो होता है मेड का भी वही पेपर होता है जो एक कैप्टन लेवल के लिए एक पेपर होता है। वो आप क्लियर कर जाओगे तो सीधा कैप्टन जाओगे। और इंजन में यही है कि ये जैसे यहाँ मेड होता है तो यहाँ इंजन में क्लास 4 का एग्ज़ाम होता है। क्लास 4 मतलब इंजीनियर लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका नॉर्मल जो जैसे आप ऑयलर बन के जा रहे, अगर आप 36 मंथ कर लिए GP रेटिंग करने के बाद तो आप एलिजिबल हो सकते हैं पेपर देने के लिए फॉरन गोइंग शिप पे। और अगर आप जो मरीन इंजीनियरिंग करके जा रहे हो तो आप 6 महीना करके आप दे सकते हो पेपर क्लास 4 का। क्लास 4 देने के बाद तो आपको फिर इसमें भी COC मिलती है, कंपटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट। अगर वो आपके हाथ में आ गया तो समझ लो आप इंजीनियर लेवल तक पहुंच जाओगे। और धीरे धीरे ऑन बोर्ड प्रमोशन होता रहता है। और जब आपको चीफ इंजीनियर बनना रहता है तो एक क्लास 1 का पेपर होता है, वो क्लियर कर जाओगे तो आप चीफ इंजीनियर बन जाओगे। तो यही नॉर्मल स्टेप होते हैं। मेरे को आज बताना था कि कैसे आप ऑफिसर लेवल तक जा सकते हो। तो यही छोटी सी जानकारी थी जो मैंने बता दी आप लोगों को। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। लोअर रैंक से स्टार्ट करोगे, कहीं पे भी जाओगे, धीरे 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 आपका प्रोग्रेस होगा। और जब आपको इंजीनियर ऑफिसर लेवल तक बनना है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। और एग्ज़ाम वही 12th बेस आता है, 12th बेस जो आप स्कूल में पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही बेस आता है पूरा। और अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आप बन जाओगे इंजीनियर ऑफिसर। तो यही थी मेरी जानकारी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।